अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे वनीला आइसक्रीम। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कप चिल्ड क्रीम। ये नॉन डेरी क्रीम है, आप डेरी क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसे हम बीट कर लेते हैं जब तक कि ये अपनी वैल्यू में डबल ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से बीट कर लिया है, ये अपने वैल्यू में डबल हो चुकी है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1/3 कप कंडेंस मिल्क, 1/3 कप डालेंगे चिल्ड दूध। यहाँ पे मैंने कंडेंस मिल्क 1/3 कप लिया है क्योंकि जो मेरी क्रीम है नॉन डेरी क्रीम है और ये पहले से मीठी रहती है। तो अगर आप डेरी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके अंदर कंडेंस मिल्क थोड़ा और ज़्यादा कर लें। तो इसे हम लो स्पीड पे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया है, अब इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अंदाज से आधा अलग कर दिया है क्रीम को। अब बाकी जो क्रीम बची है इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया है, एक बार इस स्पैचुला से हम बराबर कर देंगे। अब बाकी जो क्रीम हमने अलग से निकाल के रखी थी उसके अंदर डालेंगे 3 से 4 ड्रॉप स्ट्रॉबेरी एसेंस, 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे पिंक फूड कलर और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो मिक्स करने के बाद एक बार इस स्पैचुला से हम इसे बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है इस तरह का मोल्ड पेपर का, आप किसी भी या टाइट कंटेनर में या बॉक्स में आप इसे सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पेपर का ये इस तरह का मोल्ड लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें वैनिला मिक्स डालेंगे। थोड़ा इसे हम टैप कर देंगे। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे स्ट्रॉबेरी मिक्स। अब इसे हम कवर कर देंगे एल्युमिनियम फॉइल से, आप चाहें तो बटर पेपर से या किसी भी प्लास्टिक से आप इसे कवर कर सकते हो। अच्छे से इसे कवर कर देंगे। अच्छे से कवर करने के बाद अब इसे हम रखेंगे फ्रीज़र में 8 से 10 घंटे के लिए। मिलते हैं फिर 8 से 10 घंटे के बाद। तो यहाँ पे 8 से 10 घंटे हो गए हैं, आइसक्रीम अच्छे से सेट हो चुकी है। एक प्लेट लेंगे और इसे हम प्लेट के ऊपर रखकर पलट देंगे।